नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पीला न्यूज। धार जिले के गंधवानी में बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति को गोली मारी गई। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंधवानी अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बड़वानी रेफर किया गया है। धार जिले के गंधवानी सिंघाना रोड पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से बाइक सवार को गोली मारी। यह घटना रात की बताई जा रही है। गोली से घायल सोनवा निवासी संजय पिता शोभाराम राठौर, जो कि अपनी बाइक से घर की ओर जा रहे थे, अचानक ग्राम पानवा के देदली फाटे पर कुछ बदमाशों ने उनके वाहन को रोकने की कोशिश की। वाहन नहीं रुकने पर इन बदमाशों ने बंदूक से फायर कर बाइक सवार पर गोली चला दी। गोली संजय के जबड़े में लगी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। वही घटनास्थल से गुजर रही 108 एम्बुलेंस के चालक ने घायल को कंधवानी अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर चोट होने से उसे बड़वानी के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। देखिए खबर इसके पिलाई न्यूज। मामला आया सर, जिसमें युवक का जो है पूरा फेस फटा हुआ था। सर, क्या मामला है और कहां की घटना है? तकरीबन आधे घंटे पहले जो है डॉक्टर साहब वीडियो ऑफिसर द्वारा हमें सूचना दी गई कि एक कहीं मध्यम वर्ग की 50 मध्यम आयु के थे, वो मिडिल एज के तकरीबन 50 वर्ष आयु रही होगी। वो आए तो उनका जो है जबड़ा यहाँ से तकरीबन अलग हो चुका था और बहुत हेवी ब्लीडिंग के साथ आए थे। तो पहले जो है जरूरी उनका उपचार था, उपचार किया गया। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई, 108 को बुला के। सर, प्रथम दृष्टि क्या लगा आपको उसका चेहरा जो फटा था, किस चीज़ से हमला किया गया उनका? बोल तो नहीं पा रहे थे वो, लेकिन जैसे उन्होंने लिख के दिया उसमें उन्होंने लिखा कि गोली लगी है, गन से फायर हुआ उनके ऊपर, गोली लगी है, ये लिख दिया। अच्छा सर, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या पूछे कुछ डिटेल उनकी? उन्होंने कागज़ पर लिख के दिया था, जो भी डिटेल थे उसमें बता रहे हैं कि सोनवा निवासी हैं और बाइक से आ रहे थे यहाँ पर, और पानवा के पास जो मोड़ है वहाँ की घटना बता रहे हैं। 108 जो है रेफर बच्चे को करके आ रही रोड के लिए वापस, तो उसी भी समय जो है वो उसने हाथ दिया, गाड़ी ने रोका, गाड़ी लेके आई। ठीक है।